दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इंस्टाग्राम रील्स पर अपनी आवाज में रील्स वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। अब वो वीडियो कोई शायरी वीडियो हो सकती है जिसमें कि आप अपनी आवाज में शायरी बोलना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट्स हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई जोक वगैरह का आप रील क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें अपनी आवाज में वहां पे वॉइस ओवर करना चाहते हैं। तो काफी दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं होता कि किस तरह से ये सब किया जाता है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि अपनी आवाज में आप किसी भी तरह की रील्स वीडियो इंस्टाग्राम पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर अपनी आवाज में रील्स वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है और प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद यहाँ से आपको चले जाना है रील्स वाले सेक्शन पे। अब रील्स वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है तो आप कैमरे पे टैप करेंगे तो इस तरह से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे बैक कैमरा ओपन किया हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है तो आपको ये ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप अपने फ्रंट कैमरा से अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए। और अगर गैलरी से आप कोई फोटो यहाँ पे एड करना चाहते हैं जिसमें शायरी लिखी हुई है या फिर कोई जोक लिखा हुआ है, कोई मोटिवेशन कोट लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे आते हैं तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे म्यूजिक एड कर लेते हैं और इसकी वजह से आप अपनी आवाज में यहाँ पे रील्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो फिल्टर आपको ऐसे अप्लाई कर लेना है। अब इसके बाद में जो बीच वाला बटन है आपका, इस पर टैप करके सबसे पहले आपको अपनी आवाज में शायरी या मोटिवेशनल कोट या जोक वगैरह जो भी आप यहाँ पे बोलना चाहते हैं वो आपको बोल के अपना एक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। तो चलिए जैसे कि मैं छोटा सा वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी आवाज में यहाँ पे एक वीडियो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप म्यूजिक एड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर की साइड म्यूजिक वाले आइकन पे टैप करेंगे। अब जिस तरह का भी आपका जैसे शायरी है, कोई सैड शायरी है या लव शायरी है तो उसी टाइप का आपको यहाँ पे म्यूजिक सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सैड, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सैड इंस्ट्रूमेंटल। तो यहाँ पे आपको काफी सारे इंस्ट्रूमेंटल मिल जाएंगे सेड वाले, इसमें से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से ऐड कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, चलिए इसको यहाँ से डन करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप म्यूजिक तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लेकिन जैसे आप म्यूजिक ऐड करते हैं तो आपने जो अपना वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड किया है वो सुनाई नहीं देता, सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऊपर एक कंट्रोल का ऑप्शन होता है, इस पे आना है। तो जैसे आप म्यूजिक यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपका वॉइस यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम बंद हो जाता है, तो इसको आपको यहाँ से इस तरह से फुल कर देना है। और जो आपका म्यूजिक आपने ऐड किया है इसको आपको यहाँ पे 30 या 35 तक रखना है, बस 30 पे रख दीजिए या 28 पे रख दीजिए ताकि हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहे। इसके बाद आपको डन कर देना है और इसके बाद यहाँ से बैक ले लेना है। तो हमारा म्यूजिक भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ पे किसी तरह के स्टिकर लगाना चाहते हैं या फिर किसी तरह का टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रील्स वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप किसी तरह का कवर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पे कैमरे को क्लोज किया हुआ है इसलिए ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन आप अगर वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो यहाँ पे नजर आएगा। बस दोस्तों इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सिंपली इस रील को कर देना है आपको शेयर और जैसे आप शेयर कर देंगे रील यहाँ पे इमीडिएटली शेयर हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आप भी अपनी आवाज में किसी तरह की शायरी वाली रील्स बनाना चाहते हैं, जोक वाली, मोटिवेशनल कोट वाली रील बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।